हाय फ्रेंड्स मैं आकांक्षा शर्मा जी के मित्रकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ एम बी पी कोर्स का ये हमारा एन सीरीज़ चल रहा है और एन सीरीज़ की इसके पहले हम छह वीडियो पढ़ चुके हैं पहले चार वीडियो में हमने विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ा था उसके बाद हमने जो दो वीडियो पढ़े थे वो हमने मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास जो जो मैं आपको ये एन सीरीज़ में कवर करा रही हूँ वो जरूर करते जाइएगा वहाँ से आपको हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिलेक्टेड ही करवा रही हूँ हर कुछ मैं आपको नहीं दे रही हूँ मेरा हमेशा से ही है मेरे जो नोट्स हैं वो भी आपके पास सिलेक्टेड ही रहते हैं टू द पॉइंट होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होता है चाहे वो प्रिलिम्स के लिए हो चाहे वो मुख्य परीक्षा के लिए हो हर चीज़ मेरे जो मेरे पास होती है वो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनको बनाती हूँ कि ताकि आपके पास वो पहुँचे जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल थ्योरी नहीं लिख देती हूँ ना मैं गूगल से करती हूँ मेरा ये रहता है कि जहाँ से जो फैक्ट आता है जहाँ से जो फैक्ट पूछते हैं वो फैक्ट आप तक मैं पहुँचा पाऊँ तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास उसमें से भी मैंने बहुत सिलेक्टेड कुछ 500 क्वेश्चन निकाले हैं वही हम क्रैस कोर्स में पढ़ेंगे साथ ही में अगर आपने मेरे प्री के नोट्स लिए हैं तो उनमें भी मैंने आपको दिया है और ग्रुप मिला है आपको प्रीलिम्स के नोट्स के साथ तो वहाँ पर भी मैं आपको ये क्वेश्चन दूँगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अगर आप प्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस प्रकार की फाइल आपको टोटल 12 बुकलेट मिलेंगी यूनिट वन से लेकर यूनिट टेन तक रहेगा इस प्रकार की देखिए देख सकते हैं आप यूनिट वन से लेकर यूनिट टेन तक रहेगा साथ में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी रहेगा भारत मध्य प्रदेश खेल कूद की भी एक बुकलेट रहेगी एक बुकलेट करंट अफेयर की भी रहेगी जिसमें करंट अफेयर और योजनाएँ रहेंगी यूनिट सेवन और यूनिट नाइन पूरी तरह से हैंड रिटर्न है वन लाइनर फैक्ट में है यूनिट टेन में पहले फ़्लो चार्ट से पूरे जो है आयोग हैं उनको पूरे जो आयोग हैं 16-17 उन आयोग को पहले मैंने फ्लो चार्ट में पूरा सा बताया है बाद में उसकी डिटेल दी है इसी प्रकार मध्य मद भारत मध्य प्रदेश की संवैधानिक अर्थव्यवस्था हो या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो या मध्य प्रदेश का भूगोल हो इसको मैप के द्वारा बहुत अच्छे से शो किया है मध्य प्रदेश के इतिहास का मैंने एन जो एन फोर फाइव जो आ, एन सीरीज का बनाया उसमें इसी बुक में से लेके बनाया है तो आप रिव्यू देख सकते हैं तो इस प्रकार से अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं चलिए अब हम इतिहास का कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं ये हमारे क्रैश कोर्स में आते जाएंगे क्वेश्चन और आप लोग उनको पढ़ते जाइएगा अगर आपको कुछ क्वेश्चन तो आपको आता होगा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो एक से दो बार सुन लीजिएगा या उनको लिख लीजिएगा पहला क्वेश्चन है वैदिक काल में पड़ी नाम से क्या जाना जाता था तो वैदिक काल में पड़ी मतलब होता था व्यापार वैदिक काल में पणी किसको बोलते थे वैदिक काल में पणी बोलते थे व्यापार को ऋग्वेद में पुत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था तो ऋग्वेद में पुत्री के लिए दुहिता का प्रयोग किया जाता दुहिता गाय को भी यूज करते थे और वेद में पुत्री को किस शब्द का पुत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था दुहिता का किया जाता था संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था मुरुगन याद रखिएगा संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था मुरुगन था संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था मुरुगन था मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया तो किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया से धातु में याद रखिएगा इन्होंने सांकेतिक सिक्के चलाए थे और इन सांकेतिक सिक्कों के रूप में इन्होंने किस धातु का उपयोग किया था तो कांस्य का उपयोग किया था याद रखिएगा कांस्य का उपयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था गुजरात को किसने जीता था और जीतकर दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत जो थी बढ़ा रहे थे हमारे मध्य प्रदेश में भी आ रहे थे तो आ, ऐसा कौन है आ, मतलब जिसने गुजरात को जीता और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीत उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है कब्बाली सैली का अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है कब्बाली सैली का फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में एक मुझे आंसर बताइएगा yes. कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत के कितने शासकों का काल अमीर खुसरो ने देखा है अमीर खुसरो एक ऐसा कवि है जिसने बहुत सारे शासकों को एक साथ आते जाते देखा है तो आपको मुझे बताना है काउंटिंग वाइज के कितने शासकों का देखा है कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई है तो कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई मगहर में याद रखिएगा कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई है तो कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि मगहर में बनाई गई है अगला क्वेश्चन है अबुल फजल की हत्या किसने की थी अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किसने की थी वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी अकबर नामा के लेखक कौन थे अकबर नामा के लेखक अबुल फजल थे और अबुल फजल की हत्या किसने की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाता है शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया देखो खुसरो बोला जाता जा था शाहजहाँ शाहजहाँ का जो निकनेम था वो खुसरो था तो खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने आश्रय दे दिया था जो खुसरो थे शाहजहाँ थे वो अर्जुन देव के पास जाते थे और उनसे शिक्षा भी लेते थे तो शहजाद खुसरो ने उन को आश्रय दिया था गुरु अर्जुन देव को इस कारण जहांगीर ने उनको मृत्यु दंड दे दिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था तो ये किसको दिया था गुरु अर्जुन देव को दिया था किसको दिया था गुरु अर्जुन देव को दिया था पांडवों का उल्लेख सबसे पहले किस विदेशी यात्रा ने किया यात्री ने किया था तो पांडवों का उल्लेख सबसे पहले किया था मार्को पोलो ने किसने किया था मार्को पोलो ने किया था अगला क्वेश्चन है ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बेपासा ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बेपासा अगला है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तो छठवीं शताब्दी पूर्व में बस महाजनपद की राजधानी थी कोसाम्बी कौन सी बस कौन सी थी वत्स्य महाजनपद की राजधानी कोशाम्बी थी कुल छठी शताब्दी पूर्व में सोलह महाजनपद थी जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की भी दो थी शामिल महाजनपद और बत्स की राजधानी कौन सी थी बत्स की राजधानी थी कोशाम्बी कौन सी थी कोशाम्बी थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की वर्तमान जो पटना है उसको पाटलिपुत्र कहा जाता है और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी उदयन ने की थी याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी उदयन ने की थी मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था मगध का प्रथम राजवंश था वंश मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था वंश मगध का प्रथम राजवंश था प्रथम वंश जो बिंबेसाज ने जिसकी स्थापना की थी वही मगध वंश का मगध का प्रथम राजवंश था मतलब मगध पे सबसे पहले वंश का शासन रहा था बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं जब बुद्ध ने ग्रह त्यागा बौद्ध जो मतावलंबी है बौद्ध का जो बुद्ध जब इन्हों उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जब वो अपनी शिक्षा के लिए उन्होंने घर छोड़ा तो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन सबको बौद्ध धर्म में कुछ ना कुछ कहा जाता है तो वहीं वही त्याग को क्या कहा जाता है तो गृह त्याग को कहा जाता है बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण क्या बोला जाता है महाविनिष्क्रमण बोला जाता है अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था अमीर ए आखूर सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था अमीर ए आखूर कहा जाता फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा वहां से जुड़ जाइएगा और अगर आप मैं स्टेटस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन लग, आंसर लगाती हूँ अपने व्हाट्सअप के तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप में हाई लिख कर भेज दीजिएगा अगर आप प्रीलिम्स या मेन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नंबर सेव हो जाएगा और आपको वो स्टेटस देखने को मिल जाएंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी किसने की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी धर्माचार पाहुल को किसने चलाया था धर्माचार पाहुल को भी गुरु गोविंद सिंह ने ही चलाया था दोनों फैक्ट याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की गुरु गोविंद सिंह ने धर्माचार पाहुल को किसने चलाया तो गुरु गोविंद सिंह ने ही चलाया था विशिष्ट द्वैत के विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे थे विशिष्ट अद्वैत इसके जितने भी जितने भी ये समर्थक हैं और जितने भी प्रवर्तक हैं अलग अलग सिद्धांतों के तो वो मैं एक अलग लेके आऊँगी उसमें आपको कवर करवा दूंगी तो विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन है रामानुजाचार्य हैं कौन है विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं खानवा का युद्ध कब हुआ था खानवा का युद्ध पंद्रह ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध कब हुआ था खानवा का युद्ध पंद्रह में भी हुआ था ये बाबर ने लड़ा था राणा सांगा के साथ चोल वंश के संस्थापक कौन थे चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल वंश के संस्थापक कौन थे चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय याद रखिएगा अगला है आगरा के किले लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई तो आगरा के लाल देखो मोती मस्जिद अलग अलग जगह पे है आपको ये ध्यान रखना है बहुत जगहों पे मोती मस्जिद है लेकिन आपको यह देना किस जगह पे किसने बनवाई है तो आगरा लाल के आगरा लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई है शाहजहाँ ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक ने बनवाई है शाहजहाँ ने बनवाई है पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे यह जानकारी हमको किस ग्रंथ से प्राप्त होती है तो पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे यह जानकारी हमको महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है महावास्य ग्रंथ से प्राप्त होती है ऐत्रे ब्राह्मण का ऐत्रे ब्राह्मण का जो संबंध है वो किस वेद से है ऐत्रे ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है तो ऋग्वेद से है याद रखिएगा ऐत्रे ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है ऐत्रे ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है तो so फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आज हमने इतिहास के ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए ये टोटल 500 सौ क्वेश्चन रहेंगे वो एन सीरीज़ में ही आपके पास आते रहेंगे इसकी पी डी एफ़ अब मैं आपको प्री के पेड ग्रुप में पहुंचा दूंगी अगर आपने प्री के नोट्स लिए हैं तो वहाँ पे भी उन जो नोट्स में भी आपको ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में मिल जाएंगे और साथ में इसकी पी डी एफ़ भी मैं आपको पहुँचा दूंगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ओके फ्रेंड्स थैंक यू